हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके पास एक प्रोग्राम लेके आई हूँ। आइए इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है वाटर कंजम्पशन और ये एक कोडशिप का प्रॉब्लम है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि शेफ विजिटेड हिज डॉक्टर। द डॉक्टर एडवाइज शेफ टू ड्रिंक एटलीस्ट 2000 ml ऑफ वाटर ईच डे। मतलब शेफ को ये एडवाइस किया गया है, डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है कि उसको 2000 ml ऑफ वाटर हर रोज़ खाना होगा। तो वो 1 ml ऑफ वाटर आज को पिया है, मतलब पीना होगा। तो यहाँ पे क्या 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 कहा गया है, तो हमें ये देखना है कि शेफ डॉक्टर का एडवाइस मान रहा है या नहीं मान रहा है। तो पहले हम एक फर्स्ट लाइन कंटेंस एन इंटीजर टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस काउंट करने के लिए हम एक टी इंटीजर को ले लेंगे, मतलब वेरिएबल को ले लेंगे। और द फर्स्ट एंड द वन लाइन ओनली टेस्ट केसेस, और हर टेस्ट केस एक इंटीजर एक्स लेगा जो कितना ml ऑफ वाटर वो हर रोज़ पी रहा है ये डिटरमाइन करने के लिए। और वो हम चेक करेंगे, अगर वो 2000 ml से ज़्यादा हुआ, मतलब या फिर 2000 ml तक हुआ, तो फिर वो डॉक्टर का एडवाइस मान रहा है, नहीं तो वो नहीं मान रहा है। वही हमें निकालना है कि वो डॉक्टर का एडवाइस मान रहा है या नहीं मान रहा है। आइए पहले हम एक टेस्ट केस के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट टी ले लेते हैं टेस्ट केस के लिए, और एन ले लेंगे नंबर इनपुट के लिए या फिर एक्स ले लेंगे। और जब तक हमारा, पहले हम सी इन करेंगे टेस्ट केसेस को, कितना टेस्ट केस लेगा वो। जब तक हमारा टेस्ट केस ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक हमारा ये प्रोग्राम, मतलब जितना टेस्ट केस प्रोग्रामर को लेना, यूज़र को लेना होगा, उसके लिए हम लोग प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। और हर एक टेस्ट केस के अंदर एक इनपुट होगा, कितना ml ऑफ वाटर वो रोज़ पी रहा है ये डिटरमाइन करने के लिए, मतलब x ml ऑफ वाटर वो रोज़ पी रहा है। तो हमें चेक करना है इफ़ हमारा जो ये x है जो हमारे यूज़र ने दिया है, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है, तो हम सी आउट करेंगे यस, वरना हम सी आउट करेंगे नो, एल्स हम सी आउट करेंगे नो। हर एक इनपुट के लिए हम लोग चेक करेंगे कि वो, मतलब हर रोज़ कितना ml वाटर पी रहा है, जो अगर 2000 ml से ज़्यादा हुआ तो वो डॉक्टर का एडवाइस मान रहा है, या नहीं हुआ तो फिर वो डॉक्टर का एडवाइस नहीं मान रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है, हम लिख चुके हैं, आइए इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे आउटपुट से मैच कर चुका है, आइए इसको सबमिट करते हैं।